दोस्तों क्रिकेट में बॉल उतना ही जरूरी है जितना कि पजामे में नाड़ा। आईपीएल हो या वर्ल्ड कप, सभी मैचों में लेदर की बॉल का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में कैसे लेदर बॉल को बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले एक लेदर की शीट को एक वर्कर टेबल पर बिछाता है। उसके बाद लेदर में से सल को निकालता है। अब लेदर को एक मशीन के नीचे डाला जाता है जहां उसे इलिप्स के आकार में काटा जाता है। अब इन लेदर के टुकड़ों को आपस में सिला जाता है जिससे बॉल का आधा सिरा बन जाता है। अब इन लेदर के टुकड़ों को एक मशीन में प्रेस किया जाता है जिससे ये टुकड़े गोलाई में आ जाते हैं। अब इस बॉल के अंदर के हिस्सों को बनाया जाता है जो कि थोड़ा सख्त होता है। अब इस छोटी बॉल को बॉल के आधे हिस्से वाले टुकड़े के बीच में रखकर दबाया जाता है। उसके बाद एक एक्सपीरियंस वर्कर बॉल के बीच के जॉइंट को सिलता है। इस बॉल को 6 बार सिला जाता है जिससे बॉलर को अच्छी ग्रिप मिले और बॉल के फटने का भी चांस कम हो जाता है। अब इस बॉल को एक लोहे के मोल्ड में डालकर इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे बॉल एकदम गोल हो जाती है। अब इस बॉल पर पेंट किया जाता है। अगर सफेद बॉल बनानी हो तो इस पर सफेद पेंट किया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इस पर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। उसके बाद इस बॉल को अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। अब ये बॉल बॉलर के हाथों में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching this video.